हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल पुस्तक ज्ञान में। फ्रेंड्स, आज हमने क्लास टेंथ के इंग्लिश बुक का सप्लीमेंट्री रीडर का पहला चैप्टर ए ट्रम्प ऑफ सर्जरी का हिंदी समरी लेकर आपके सामने आए हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, देर ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हुए हैं या फ्रेंड्स आपने अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि आगे आने वाला प्रत्येक वीडियो आप तक पहुँच सके। चलिए दोस्तों, अब वीडियो हम लोग शुरू करते हैं। इस कहानी के जो वर्णन करता है वो है मिस्टर हैरियट। एक्चुअली में मिस्टर जो हैरियट हैं एक पशु चिकित्सक हैं, यानी कि वो एनिमल्स के डॉक्टर हैं। एक बार उन्हें एक कुत्ते के बारे में हमेशा ही वास्तविक में चिंता हो जाती है, जिसका नाम ट्रिकी था। उसे इसे अपनी मालकिन के साथ देखकर डॉक्टर को झटका लग जाता है, क्योंकि वो कुत्ता जो था वो काफ़ी मोटा हो गया था तथा उसकी आँखें भी लाल हो गई थी। इसकी जीभ इसके जबड़े से बाहर हमेशा आ रही थी। डॉक्टर को लगा कि यह जो कुत्ता है यह बीमारी की पूरी अवस्था में जा चुका है। कुत्ते की जो मालकिन थी उनका नाम था मिसेज पम्फ्री। उसने हैरियट को बताया कि कुत्ते में अब कोई ताकत शेष नहीं दिखाई दे रही है, इसलिए उन्होंने उसे कुछ और कोड लीवर तेल तथा हॉर्लिक्स का एक कटोरा और बढ़ा दिया है उसके खाने में। तब मिस्टर हैरियट उनसे कहते हैं कि क्या मैंने आपको जो क्रीम और केक चॉकलेट नहीं देने के लिए कहा था, क्या आपने इसे वो खिलाया? तो मिसेज जो उसकी मालकिन थी मिसेज पम्फ्रेट, वो कहती है कि हाँ, चूँकि ये कमज़ोर दिखाई दे रहा था इसलिए मैंने वो सभी खाने को भी दे दिया। परंतु डॉक्टर ने कहा था उन्हें कि ये जो सभी भोजन है ये सभी ठोस खाना है, इसे कुत्ते को नहीं देना है। हैरियट ने कुत्ते पर फिर से अपनी निगाहें डाली। उसका बड़ा दुख यह था कि यह लालची हो गया था, यह खाने को मना नहीं करता था। हैरियट ने मिसेज पम्फ्री से पूछा कि क्या वो कुत्ते को कभी व्यायाम के लिए बाहर ले जाती है या कभी व्यायाम कुत्ते से करवाती है, तो इस पर उसने इनकार कर दिया। हैरियट ने उसे चेतावनी दी, यदि उसने इसके खाने को कम नहीं किया और इसे अधिक शारीरिक व्यायाम नहीं दिया तो वो वास्तव में और अधिक बीमार होने लग जाएगा। उसने कहा कि वो इसे ठीक कह रहा है, परंतु यह उसके लिए काफ़ी कठिन था कि अपने कुत्ते के भोजन में वो कुछ कोताही कर दे या अपने कुत्ते को भोजन कुछ कम दे। इस तरह से अगले कई दिनों में मिसेज पम्फ्री ने हैरियट को बताया कि ट्रिकी ने कुछ नहीं खाया, क्योंकि ट्रिकी उस कुत्ते का नाम था। उसने अपने पसंदीदा खाने को भी खाने से इनकार कर दिया। उसने अपना सारा समय भारी भारी सांस लेकर लेटे हुए गुजारा। डॉक्टर ने अपनी योजनाएं शुरू से ही बना ली थी। उसने सुझाव दिया कि ट्रिकी को लगभग 15 दिन के लिए अस्पताल में भर्ती करना होगा। यह सुनकर जो कुत्ते की जो मालकिन होती है वो लगभग बेहोश हो गई। उसे यकीन था कि यदि वो उसे नहीं देखेगी तो वो मर जाएगी, तथा उसे यह भी यकीन था कि कुत्ता भी उसके बिना नहीं रह पाएगा। वर्णनकर्ता यानी कि जो डॉक्टर था उसने कुत्ते को अपनी कार में वो ले जाता है। मिसेज पम्फ्री ने ट्रिकी की सारी वस्तुएं जैसे बिस्तर, तकिए, खिलौने तथा और भी ज़रूरी चीज वो रख देती है। अस्पताल में ट्रिकी ने जब दूसरे कुत्तों की तरफ देखा तो उसने बाकी कुत्तों की अपेक्षाएं की। कुछ समय तक वो चारों तरफ घूमता है तथा इधर उधर सूंघता है। लेखक ने ट्रिकी पर 2 दिनों तक नज़र रखी। उसने उसे काफ़ी पानी दिया लेकिन खाने के नाम पर उसे कुछ नहीं दिया गया। 3रे दिन उसने दूसरे कुत्तों को देखकर कुछ आवाज़ें निकालनी शुरू की, यह उनके पीछे बगीचे तक जाता है। उस दिन शाम को दूसरे कुत्ते को खाना दिया गया। जब उन्होंने खाना समाप्त कर लिया तो ट्रिकी बाकी सभी जो कुत्तों ने खाना खाया था उस कटोरे की तरफ इधर उधर घूमने लगता है तथा उसने उसे चाटा भी। इसका अर्थ था कि अब ट्रिकी पूरी तरह से भूखा हो चुका था। इसके बाद जो लेखक हैं या जो डॉक्टर हैं वो उसे कुछ खाने के लिए दे देते हैं। ट्रिकी ने उन्नति दिखानी शुरू कर दी। उसे दवाइयाँ द्वारा इलाज कभी भी नहीं दिया गया। यह सारा दिन कुत्तों के साथ दौड़ता रहता था। उसने दूसरे कुत्तों के साथ होने की खुशी को खोजा। इस बीच मिसेज पम्फ्री हमेशा टेलीफोन करती रहती थी तथा बार बार अपने कुत्ते के बारे में अनेक प्रकार के प्रश्न पूछा करती थी।
डॉक्टर भी उसके सभी सवालों का जवाब देता था तथा कहता था कि हाँ, अब कुत्ता कुछ खतरे से बाहर है। मिसेज पम्फ्री ने ट्रिकी की ताकत बनाने के लिए ताज़ा अंडा लाना भी शुरू कर दिया। डॉक्टर ने ट्रिकी को खाने से पहले और बीच में थोड़ी बहुत शराब देना शुरू कर दिया। कुत्ते ने ब्रांडी भी पीना प्रारंभ कर दी। ट्रिकी को अब सुबह एक अलग से अंडा दिया जाता था, उसे दोपहर को शराब और शाम को ब्रांडी दी जाती थी। 15 दिन के बाद डॉक्टर ने उसे टेलीफोन पर कहा कि अब कुत्ता पूरी तरह से स्वस्थ हो चुका है। मिसेज पम्फ्री जब यह सुनती है तो वो बहुत ही खुश हो जाती है तथा वो एक बड़ी गाड़ी में लेखक की सर्जरी में आती है। उसने उसे पूछा कि क्या अब मेरा कुत्ता पूरी तरह से ठीक हो चुका है। इसके बाद जो डॉक्टर है वो उसे बताते हैं कि हाँ, अब कुत्ता पूरी तरह से ठीक हो चुका है, वो उसे अपने पास ले जा सकती है। जब ट्रिकी ने अपनी मालकिन को देखा तो वो मिसेज पम्फ्री की गोद में दौड़ कर चला आता है। उसने उसके चेहरे को चाटना शुरू किया तथा भौंकना शुरू कर दिया। डॉक्टर ने ड्राइवर को ट्रिकी की जितनी भी वस्तुएं थी उन सभी को लाने के लिए डॉक्टर कहते हैं। जो ड्राइवर हैं वो ट्रिकी के बिस्तर, खिलौने, तकिए, कोट और जितने भी कटोरे थे उन सभी को डॉक्टर के यहाँ से लेकर अपनी गाड़ी में रखना शुरू करता है। लेकिन वास्तव में उन सभी चीज़ों का कभी भी इस्तेमाल नहीं किया गया था। जैसे कार चलनी शुरू हो जाती है, मिसेज पम्फ्री खिड़की से बाहर झांकती है। उसकी आंखों में आंसू थे तथा उसके होंठ कांप रहे थे। उसने डॉक्टर को बताया कि यह सर्जरी की विजय है तथा वो डॉक्टर को धन्यवाद भी देती है कि उन्हीं के बदौलत आज उनका कुत्ता जो है वो स्वस्थ है। एक्चुअल में फ्रेंड्स, अगर हम लोग देखें तो इस कहानी में ये बताया गया है कि जो ये जो कुत्ता था ये व्यायाम नहीं करता था तथा इसकी जो मालकिन थी उसे हमेशा फैटी वस्तुएं खाने को देती थी, जिसके कारण वो घर में आलसी हो चुका था तथा पड़े पड़े वो मोटा भी हो गया था। जब डॉक्टर ने इसे देखा तो डॉक्टर को लगा कि नहीं, ये सभी जो चीज़ हुआ है ये सभी व्यायाम न करने की वजह से हुआ है। यानी कि अगर ये सुबह या शाम को अगर टहलता या कुछ हल्का फुल्का व्यायाम करता तो ये सभी नहीं हो पाता तथा इसके खाने में भी कुछ परहेज की आवश्यकता थी। इसलिए डॉक्टर ने उसे अपने पास बुलाया तथा कुछ दिनों तक उसे डाइट पर रखा और हल्की फुल्की भोजन उसे देना प्रारंभ किया। कुछ समय के बाद वो फिर से वास्तविक अपनी स्थिति में आ जाता है तथा बाकी कुत्तों के साथ दौड़ने के साथ उनके साथ भौंकने के कारण इसकी शारीरिक स्थिति भी ठीक हो जाती है। तब जाके डॉक्टर फिर से उसके मालकिन को बुलाते हैं और उसे सौंप देते हैं। तो फ्रेंड्स, यह था इस चैप्टर का हिंदी समरी। अगले वीडियो में दोस्तों हम लोग देखेंगे किसी दूसरे टॉपिक को। तब तक हमारे चैनल पर बने रहिए, हमारे वीडियो को देखते रहिए, उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और फ्रेंड्स सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलिए। मिलेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।